आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आइए दोस्तों आज के समाचारों की शुरुआत करते हैं ओपीएस अर्थात ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली से। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि पूरे देश में लगातार एनपीएस की जगह पर यूपीएस आने के बाद विरोध प्रदर्शन जारी है और कहीं कहीं कर्मचारी शिक्षक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अटेवा सहित विभिन्न संगठनों ने एनपीएस और यूपीएस के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है। वो 2 सितंबर से ये कार्य कर रहे हैं और ये 6 सितंबर तक कार्य चलने वाला है, तो कहीं न कहीं इसका विरोध लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। संगठनों का कहना है कि जब सरकार कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन देना ही चाहती है तो फिर पुरानी पेंशन की बहाली क्यों नहीं करती, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि पूरे प्रदेश में यूपीएस का विरोध हो रहा है और बहुत सारे कर्मचारी संगठन तो ये तक कह रहे हैं कि ये एनपीएस से भी खराब व्यवस्था यूपीएस की है। तो ऐसे में इसका विरोध पूरे देश में लगातार जारी है और आने वाला वक्त तय करेगा कि ये विरोध प्रदर्शन कितना बड़ा होता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मानदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी का ये आदेश है और कहीं न कहीं आपके विद्यालयों में जो आपको टेबलेट्स उपलब्ध कराए गए हैं उसी के संदर्भ में ये आदेश दिया गया है। ये आदेश जिला वरिष्ठ शिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात करें तो 4/9/2024 यानी आज के डेट में ये आदेश जारी किया गया है। दोस्तों इस आदेश के विषय की बात करें तो आप देख पा रहे हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए गए टैबलेट्स के संबंध में ये आदेश दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आप अवगत है कि समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-23 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 209,863 टैबलेट्स की आपूर्ति यूपी डेस्को के माध्यम से चयनित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सभी जनपदों में एक दिवस के विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तदनुसार जनपदवार कैंप आयोजन हेतु तिथिवार विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। तत्क्रम में आपूर्तिकर्ताओं के कोऑर्डिनेटर से संपर्क स्थापित किए जाने हेतु फोन नंबर की सूची संलग्न कर प्रेषित है। आगे बताया गया है अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद में उक्त कैंप के आयोजन के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को अनिवार्य रूप से सूचित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि टैबलेट संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित निवारण कराया जा सके। बोधिया कंचन वर्मा राज्य परियोजना निदेशक। दोस्तों अगली खबर जनपद प्रयागराज से है और अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बैगलेस डे पर स्कूल में बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे और सुनेंगे, इसी माह से होगी शुरुआत। प्रयागराज से खबर है परिषदीय स्कूलों में बच्चों में संस्कृत के प्रति लगाव पैदा करने, संस्कृत सीखने और बोलने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। इसके लिए राज्य शिक्षा संस्थान ने कार्टून आधारित संस्कृत भाषा में 13 ऐसे कविता आधारित वीडियो तैयार कराए हैं जिसमें बच्चों की पसंद को ध्यान में रखा गया है। बैगलेस डे यानी शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 8 तक के बच्चे स्कूल में संस्कृत भाषा में कविता आधारित वीडियो देखेंगे, सुनेंगे और वीडियो में नीचे चल रहे वाक्यों को पढ़कर संस्कृत सीखेंगे। इसमें कार्टून आधारित बैलगाड़ी, मेला, गुब्बारे, घूमता झूला, उमड़ते घुमड़ते बादल, सुबह के दृश्यों का समावेश बच्चों को आकर्षित करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने संस्कृत भाषा में एनिमेटेड वीडियो पहली बार तैयार कराए हैं। राज्य शिक्षा संस्थान के प्राचार्य नवल किशोर के निर्देशन में इसे तत्कालीन कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर दीप्ति मिश्रा एवं सह समन्वयक मोहम्मद कासिम फारूकी ने तैयार कराया है। समन्वयकों का मानना है कि इसे तैयार करने में आर्ट वर्क बनाना बड़ा चुनौती था क्योंकि संस्थान के पास संसाधन कम थे, लेकिन इस विधा में दक्ष शिक्षकों ने सहयोग दिया है। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।